1972 সালে এমন দিনে পূর্ণ রাজ্যের মর্যাদা পেয়ে দেশের মূল উন্নয়নের স্রোতের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল ত্রিপুরা রাজ্য। শনিবার এই পূর্ণ রাজ্যের মর্যাদা পাবার অনুষ্ঠানে মুখ্য অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মুখ্য সচিব জে কে সিনহা। এই অনুষ্ঠানে বিভিন্ন স্কুল কলেজের ছাত্রছাত্রী এবং বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী সমাজের লোকেরাও উপস্থিত ছিলেন। বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সংগঠনের পক্ষ থেকে অনুষ্ঠানে বর্ণাঢ্য নাচ গান প্রদর্শন করা হয়। রাজ্যের ভাবি প্রজন্মের ছাত্রীদের উদ্দেশ্যে বার্তা রেখে মুখ্য সচিব জে কে সিনহা বলেন, রাজ্যের গৌরবময় ইতিহাসকে জানতে হবে এবং তাতেই সমৃদ্ধ হবে আগামীর প্রজন্ম। রাজ্যের সামগ্রিক বিকাশের মধ্যে যে আসল উন্নয়নের ছবি পরিস্ফুটন হয় সে কথায় জানান তিনি। और निश्चित रूप से स्कूल से आए हुए उनके अध्यापक अध्यापिका महोदय महोदयगण होंगे, तो मेरा यही आग्रह होगा इस दिवस पे कि त्रिपुरा का जो एक गौरवमयी इतिहास है उसको आप पढ़ें। इतिहास ऐसे भी एक रोचक विषय होता है, इंटरेस्टिंग विषय होता है, और शुरू से लेकर अंत तक जो भी लिखा गया है इसके बारे में आप विभिन्न स्रोतों से पढ़ें, विभिन्न माध्यमों से पढ़ें। इससे आपकी एक धारणा बनेगी, आपका ज्ञान तो बढ़ेगा ही और एक मन में विचार भी आएगा कि जो विकास की प्रक्रिया है वो कैसे होती है और हम किस तरीके से इस मुकाम पर पहुँचे हैं। और जब सभी लोग ग्रो करेंगे, सभी लोग विकसित होंगे, तभी त्रिपुरा का विकास होगा। तो इस अवसर पर जो हमारे प्यारे प्यारे बच्चे बच्चियां आए हुए हैं, मैं उनसे यही आग्रह करूंगा कि आप अभी पढ़ाई कर रहे हैं तो खूब पढ़ाई करें, मन लगा कर पढ़ें, और जो भी आपने जीवन में एक उद्देश्य रखा है যে কোনো ক্ষেত্রে এই কাজ করে রাজ্য এবং দেশের বিকাশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য ভাবি প্রজন্মের কাছে আহ্বান রাখেন মুখ্য সচিব। उनसे भी यही अपेक्षा है कि हम जिस भी क्षेत्र में रहें ऐसा काम करें, इस तरीके से काम करें कि राज्य का देश का विकास हो। और जैसा कि अभी हमारे बहुत सारे बंधुगण जो विभिन्न कल्चरल टीम से आए हुए हैं वो इंतज़ार कर रहे हैं कि उनका परफॉर्मेंस कब देखा जाएगा, और आप सभी लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि अब ये जो भाषण जो हो रहा है उसको बंद किया जाए और इसका जो एक शुभ दिवस होता है, एक उत्सव का दिवस होता है, वो सांस्कृतिक जो कार्यक्रम है उसका आनंद लिया जाए। तो मैं उनके बीच और आपके बीच नहीं आना चाहता हूँ। आज के दिन आप लोग खुशी मनाएं, अच्छे से रहें और जीवन में उत्तरोत्तर प्रगति करते रहें, यही मेरी शुभकामना है और यही भगवान से प्रार्थना है। बहुत बहुत धन्यवाद। ত্রিপুরার গৌরবময় অতীত আর সমৃদ্ধ ভবিষ্যতের ছবি সামনে রেখে শনিবার পালন করা হয় পূর্ণ রাজ্য দিবসের অনুষ্ঠান। ফিউরি রিপোর্ট, আর ই নিউজ।